मक्का मुकरमा में रवा हज सीजन के दौरान हीट वेव से जाँ बहक हाजियों की तादाद बढ़कर 922 होने का दावा किया गया है। फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हज सीजन के दौरान गर्मी से जाँ बहक होने वाले हाजियों की तादाद 922 तक जा पहुंची है। इससे पहले कल ही आई खबर में बताया गया था कि गर्मी से 550 हाजियों की जान चली गई। वहीं अरब सिफारतकार का कहना है कि जाँ बहक मिस्री हाजियों की तादाद ही कम से कम 600 तक है। इसके अलावा जाँ बहक होने वाले हाजियों में कम से कम 90 हाजी हिंदुस्तानी बताए जाए हैं। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक जाँ बहक दिगर हाजियों का ताल्लुक जॉर्डन, इंडोनेशिया, ईरान, सेनेगल, ट्यूनिस और इराक से है। ताहम ये वाजह नहीं किया गया कि इन मुल्कों के हाजियों की अमवात हीट वेव से ही हुई है या नहीं। जॉर्डन के 20 लापता हाजियों की तलाश भी जारी है। इस दरमियान हज के लिए हिंदुस्तानी शहरियों ने नाकस इंतजाम पर सवाल उठाए हैं। ये देखें जरा डिहाइड्रेशन की, जरा वो देखें वैल्यू देखें जरा हैं। लोग ऐसे बेबस पड़े हुए हैं जैसे इनका कोई नहीं है। ये टोटल इंडियन लोग हैं। ये कुछ लोग बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हैं जिनको मालूम ही नहीं है। एक्चुअली उनको लग रहा है कि हम सो रहे हैं। बहुत लोग मर रहे हैं और मर के सड़कों पर चक्कर धागा गिर रही है। कोई उठाने वाला पैदा भी नहीं और यहाँ के जो प्रशासन पुलिस है उन्हें डंडे मार के उन्हें भगा लिया है। देखा नहीं जा रहा, देख रहे हैं तो रोना आ रहा है। बहुत स्थिति खराब है। लोग चक्कर धागा गिर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है। खेमे में आदमी कहाँ जा रहे हैं? कोई सा भी इंडिया का हाजी ये बता दे मैं मीना में वापस खेमे में गया हूँ। और भाई ये बिल्कुल मत सोचे, हमारा तो